SBS News, सच का साथी। संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी संघ लखनऊ। वर्षों नंबर क्या है? संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी समन्वय समिति उत्तर प्रदेश तथा हमारे चार संगठन एक साथ संयुक्त होकर के एक मंच पर आंदोलन की सूचना उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई है, जिसमें हम लोग पहली तारीख को विधानसभा का मेरा अनुरोध है कि जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक, उस पे लिखे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय सांसद जी आज कर्मी अनशन पर आकर के अनशन को समाप्त कराया है और बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ सफाई कर्मचारी प्रतिनिधि वार्ता के लिए जाएगा, जिस पर अनशन आज समाप्त किया। ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप पर सभी लोग लिखे, अनुरूप जो है कार्य नहीं किया जाता है। इस बार हम लोग संघर्ष का ऐलान किए हैं और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पूरे प्राइमरी कृषि ऋण सहकारी समिति को बंद करेंगे, किसानों को खाद बीज कीटनाशक दवाएं और जो है गेहूं धान की खरीद भी बंद करेंगे। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और यह पूरा कार्य बहिष्कार करेंगे। आपका ये आंदोलन कब से स्टार्ट होगा? पहले 1 नवम्बर से प्रारंभ किया जाएगा। क्या क्या मुख्य मांगे आपकी? हमारी मांगे यह है कि प्राइमरी सहकारी समितियों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की बात राजकीय कोष से नियमित वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। दूसरा हमारी मांग है कि समितियों के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं सचिवों को उनके बकाया वेतन का भुगतान शीघ्र कराया जाए। तीसरा मांग हमारा है कि पैक्स कर्मियों को कोई भविष्य निधि बीमा एवं पेंशन आदि की सुविधा नहीं मिलती है, ऐसे में इनको 2 वर्ष का अतिरिक्त सेवा विस्तार देते हुए सेवानिवृत्त की आय की सीमा 62 वर्ष की जाए। तो इन मांगों को लेकर आप हड़ताल पर रहेंगे? हड़ताल पर रहेंगे, पूरा समितियों का कार्य बहिष्कार करेंगे, किसानों को ऋण खाद बीज और धरना प्रदर्शन भी करेंगे क्या? धरना प्रदर्शन भी करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और 29 अक्टूबर को पूरे जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा।